नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर भाजपा का खुलकर विरोध शुरू हो चुका है। अब कहीं ना कहीं जनता और किसानों का जो गुस्सा है, जो सरकार के प्रति रोष है, अब वो खुलकर जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका सीधे तौर पर शिकार बन रहे हैं भाजपा के हरियाणा प्रदेश के लोकसभा प्रत्याशी। एक बार फिर जो है बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी किसानों के और आम जनता के हत्थे चढ़ गए और कहीं ना कहीं उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। उनके गुस्से को जो लोग भरे बैठे थे सरकार के प्रति, सरकार के सिर जो ठीकरा फूटना चाहिए था वो ठीकरा अब चुनावी समय पर, चुनावी माहौल को जब अपने कंट्रोल में करने का समय है, उस समय उन प्रत्याशियों के सिर पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। एक नहीं बल्कि दो दो प्रत्याशियों का अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में विरोध किया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए हिसार लोकसभा क्षेत्र को लेकर, तो प्रत्याशी रणजीत चौटाला जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो एक गांव में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे, लेकिन वहीं पहुंचते ही उनको किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। किसान जो कि पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो भी बीजेपी के नेता या फिर बीजेपी के लोग गांव के अंदर आते हैं तो उनका जमकर विरोध किया जाएगा, और वही जो स्थिति रणजीत चौटाला के साथ भी देखने को मिली, जब वो गांव में पहुंचे तो उनका जमकर जो है भारी तरीके से विरोध किया गया, उनके जो है प्रति गुस्सा और नाराजगी जाहिर की गई। यही मामला नहीं रुका बल्कि मुर्दाबाद के नारों के बाद किसानों ने रणजीत चौटाला को बीच कार्यक्रम में ही घेर लिया और एक के बाद एक सवाल दागने लगे। पहले यह वीडियो देख लीजिए किस प्रकार जो है रणजीत चौटाला पसीने से तरबतर हैं और कहने के बीच कार्यक्रम में किसानों के बीच घिरे हुए हैं, और आखिर बातचीत क्या हुई वो सुन लीजिए। समस्या सुन नहीं आ रहा भाई, बताने लग रहे हैं। ये बताओ जी, फसल बीमा योजना पर जी आप मतलब जिस तरह किसानों 3 महीना जी हमारा मतलब लाठी चार्ज भी होया, करनाल में लाठी चार्ज होया, कैथल में लाठी चार्ज होया, इसार के अंदर लाठी चार्ज होया, पीपड़ी के अंदर लाठी चार्ज होया जी, कब तक किसान लाठी खाओगे जी? तो ज्यादा टाइम नहीं यार, मेरी बात आप बिल्कुल आप बताओ हमने फिर सरसों का है रुको सुन सुनो काम ना ये जरूरी है रुक जा यार दे किसान से देखता जिंदाबाद 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 किसान देखता जिंदाबाद 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 किसानों की अत्याचारी सरकार मुर्दाबाद 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 किसानों की अत्याचारी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश की जनता मतलब भिखारी तो कोनी, वो मतलब माने दकूम भगवाओ भी पांच फसल आप दे, हमारी मांग पूरी है जी, 23 फसल आप दे जी, मतलब हाँ तो जमींदार आ जाती तो कहाँ जी, जमींदार आ जाती तो दर्द बंटा आप, और आप मारे में योजना आप सागर संजो करा निबिरजेंद्र सिंह जी मारू जीत के चले गए अड़वो पांच साल का भी नहीं आयो रे ना जीते पहले आयो ना जीते बाद में आयो सकली कौन देखी सकली कौन देखी भैया ही बात हुई ना बोले टाइम सब आ गया कोई भी चीज इंग्लैंड में अमेरिका में एक जब कोई चीज नहीं खराब लोग उसके खिलाफ में डंडे देते हैं। आप मांगना अगर भारतीय जनता पार्टी की वो नहीं होगी तो आप उसके खिलाफ वोट देना, अगर हमारी पार्टी ठीक है तो देश वोट दे रहा है। आपको भी इस बात को पता है, मीडिया को पता है, बीजेपी फिर किसी बात सरकार बनाती वो तो जी टाइम ना सही बात सुन दे सुन दे भाई सुनो ये गाँव खड़ा देख पेड़ के नीचे खड़ा झूठना बोलते सरकार बनेगा सरकार बन गई फिर हम दोनों गाँव में फिर आ जाएंगे बाद में कोई देखो जी ये आपकी कोशिश है या हमारी कोशिश है या हमारी कोशिश है एक सेकंड है जो किसानों जो प्रधानमंत्री एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जी उसके लिए हर बार किसानों को धरने क्यों लगाने पड़ रहे हैं शाम सुख पुराने काम है बस बिल्कुल जी बाकी तो आया बात है सत्र दिया से तक एक मास जो है नजदीकी है
इनका मैं सजाऊँ होगा सजाऊँ तो मैं सत्रों भी ऐसे मैं अच्छे अंदर तो पैदाइशी ना हुई सगला में जानू बात करेंगे मैं गाँव मैंने क्यों बोले मिले पाँच मिनट बाद बिल्कुल ना सही बात है नहीं कोई और बात कहते हैं गाँव छोड़ दो कल कर लेंगे ना ठीक ना सही बात है ठीक यही पूछा जी भी अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खातर जी सार धरनो तो सुना आपने रंजीत चौटाला और किसानों के बीच जो गहमा गहमी थी कहना कि किसानों का गुस्सा जो जायज भी है क्योंकि किसान लगातार चाहे मुआवजे की बात हो चाहे फसलों के मूल्य की बात हो चाहे किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी बात हो उनको लेकर लगातार कई वर्षों से विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं और ऐसे में अब जब चुनावी समय है जब जनता का समय है नेताओं का समय जा चुका है तो ऐसे में जनता अपने समय का खुले तरीके से बिल्कुल जमकर जो इस्तेमाल कर रही है और इस चुनावी समय में जब नेता शक्ति विहीन हो जाते हैं जब नेता सत्ता विहीन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अब जनता के गुस्से का शिकार भी होना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं रंजीत चौटाला जो हिसार लोकसभा के एक गांव में किसानों के गुस्से का शिकार हो गए किसानों के गुस्से की भेंट चढ़ गए और कहीं ना कहीं ये उसका एक छोटा सा ट्रेलर लगा लीजिए एक छोटा सा नमूना लगा लीजिए। इसके अलावा एक और दूसरे भाजपा के प्रत्याशी सोनीपत से मोहन लाल बड़ोली वो भी एक गांव में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे लेकिन वहां पर भी उनको गुस्से का शिकार होना पड़ा और गुस्सा ऐसा नाराजगी ऐसी कि जमकर जो है मोहन लाल बड़ोली को खरी खोटी सुना दी गई। बीच जनसभा बीच कार्यक्रम में जब मोहन लाल बड़ोली को वोटर्स ने आम जनता ने घेर लिया तो आखिर उनके बीच क्या जो है बातचीत हुई क्या वार्तालाप हुआ एक बार सुन लीजिए। करना पड़ेगा आपने इसलिए आए इतनी लंबी क्यों सोच रहे हो विकास की बात कर रहे हो इतना नेशनल टाइम्स के बच्चे क्यों डर रहे हो देश के लिए काम कर रहे हो अलग ध्यान नहीं बात कर रहे हो विकास की बात कर रहे हो तो देखा आपने किस प्रकार जो आम जनता ने भारी रोष जो है मोहन लाल बड़ोली के प्रति जताया है। अब मामला जो है पूर्व सांसद रमेश चंद्र कौशिक से जुड़ा हुआ है जो 2014 से और 2024 तक लगातार 10 साल तक सांसद रहे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से और कहना कि जनता ने इसी बात पर एतराज जताया कि सांसद रहते हुए जनता ने उनको दो बार जो है भारी वोटों के अंतर के साथ जीत दिलाई और ऐसे में वो लोगों के बीच नहीं पहुंचे वो जनता की बातें जनता की समस्याएं नहीं सुन पाए उनका समाधान नहीं कर पाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोहन लाल बड़ोली पर जो है रमेश चंद्र कौशिक का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो खामियां रमेश चंद्र कौशिक ने की पिछले 10 सालों के अंदर जो नाराजगी रमेश चंद्र कौशिक के प्रति रही लोगों की पिछले 10 सालों के अंदर अब कहीं ना कहीं बीजेपी को और जो बीजेपी के हालिया प्रत्याशी है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से मोहन लाल बड़ोली उनको उस नाराजगी का उस गुस्से का उस 10 साल के कार्यकाल में हुई सभी घटनाओं का खामियाजा और घाटा उठाना पड़ेगा और कहना कि अब जब मोहन लाल बड़ोली प्रत्याशी हैं तो ऐसे में जो भी बातें होंगी जो भी समस्याएं होंगी और जो भी जनता का रोष होगा वो कहीं ना कहीं मोहन लाल बड़ोली के प्रति फूटता हुआ नजर आ भी रहा है और आने वाले समय में एक भी मोहन लाल बड़ोली को अनेक समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहां भी माहौल वही था कि मोहन लाल बड़ोली को बीच कार्यक्रम से ही पीछा छुड़वा कर भागना पड़ा तो कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत में आपको बताया चुनावी समय है एक तरफ चुनावी माहौल
सभी पार्टियां अपने पक्ष में बनाने में जुटी हुई हैं, सभी प्रत्याशी जीत दर्ज कैसे करें उन समीकरणों को घटाने बढ़ाने में जुटे हुए हैं, समीकरणों को तोड़ने में बनाने में लगे हुए हैं। तो ठीक इसके बीच अब बीजेपी के प्रत्याशी भी जनता के शिकार हो रहे हैं, जनता के गुस्से की भेंट चढ़ रहे हैं। और ऐसा ही एक नमूना कुछ दिन पहले सिरसा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर के प्रति भी देखने को मिला, जहां उनको किसानों ने घेर कर उनका भारी विरोध किया और उनको गांव के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करने दिया गया। विशेष बात यह है कि मुर्दाबाद तक के नारे लग रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशियों को कार्यक्रम छोड़कर वहां से उल्टे पांव भागना पड़ता है। और विरोध होना लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब सत्ता थी तो उस समय ये नेता सत्ता के नशे में चूर ये भूल गए कि सत्ता का समय जो है जाने वाला है और जनता का समय भी कुछ दिन बाद जो है फिर आने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विरोध होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी ने, जिस प्रकार नेताओं ने, बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं ने किसानों की अनदेखी की, जनता की अनदेखी की, और कहीं ना कहीं जनता की शिकायत भी यही है कि नेता कभी भी गांव में नहीं पहुंचे, नेता कभी भी हालचाल जानने नहीं आए, नेता कभी भी समस्या सुनने नहीं आए, नेता कभी भी समस्याओं का निपटारा और समाधान करने नहीं पहुंचे। तो ऐसे में अब जब सवालों का सामना करना पड़ रहा है भाजपा के प्रत्याशियों को, तो उनके पास जवाब नहीं है, ना वो कार्यक्रम कर पा रहे हैं, ना वो सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इन नेताओं के पास सत्ता थी, जब इनके पास पावर थी, तो सत्ता के दम पर, पावर के दम पर पुलिस दलबल के सहारे ये गांव के अंदर विरोध के बावजूद भी कार्यक्रम कर जाते थे। लेकिन अब जब जनता की अनदेखी की गई, जब जनता की समस्याएं नहीं सुनी गई, जनता से मिला नहीं गया, उनके काम नहीं हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन नेताओं को गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार किसानों की अनदेखी की गई, जिस प्रकार जनता कहती है कि उनकी अनदेखी हुई है, तो ऐसे में गुस्सा स्वाभाविक है, लाजमी है। और कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो पूरा पीछे तक का हिसाब मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अब नेता करे भी तो क्या करे, ना उनके पास जवाब है, ना वो कार्यक्रम छोड़कर भाग सकते, ना वो पावर दिखा सकते हैं, ना अपना दम दिखा सकते हैं, और ना ही तेवर दिखा सकते हैं, और साथ साथ ना उनके पास जनता के सवालों का कोई जवाब है। बस बेचारा सा मन लेकर मुंह लटकाए और सहमी सी आवाज में जनता को समझाते हुए ही नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता कहां मानने वाली है, जनता तो अपना पीछे तक का हिसाब मांग रही है। जनता समस्याओं का समाधान कितना हुआ, जनता ये पूछ रही है कि काम कितना हुआ, जनता ये पूछ रही है कि उनको नजरअंदाज क्यों किया गया, और हर जो है सवाल का जवाब मांग रही है। और कहीं ना कहीं अब विशेष बात यह, किसान ऐलान कर चुके हैं कि यह विरोध जो है लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी के प्रत्याशियों की सामत आने वाली है, उनको हर जगह पर जो है किसानों का और आम जनता का, वोटर्स का गुस्सा झेलना पड़ेगा, उस गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये नाराजगी है काफी हद तक बढ़ चुकी है और अब चुनावी समय में भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखने वाली बात यह होगी, बीजेपी जो लगातार 10 की 10 सीटें जीतने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन अब जिस प्रकार विरोध हो रहा है, जिस प्रकार प्रतिदिन किसी न किसी प्रत्याशी के विरोध की खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में यह साफ नजर आ रहा है कि 10 की 10 सीटें जीतने का जो दावा है वो बिल्कुल खोखला है, वो बिल्कुल खाली खाली नजर आ रहा है, बिल्कुल जो है उदासीन नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, क्या वास्तव में ही इस विरोध के बीच, इस जनता की नाराजगी के बीच बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत सकती है? आपका क्या सोचना है कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार।